वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी तो इसनू लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरण छो प्राप्त गुरद्वारा साहब दातुनसर साहब इत्थे सरहद दे सूबेदार ने नूर देन सूइए नू भेजिया सी। महाराज जी सवेरे अमृत वेले दातुन कर रहे सन। नूर दिन सूइए ने महाराज जी ते अटैक किया ते महाराज जी ने गड़वे नाल नूर दिन सूइए नू मार दिता ते उसकी कबर बाहर बनी हुई है। ते उस वेले वचन किया कि जो भी गुरु प्यारे इत्थे दर्शन लई आएगा वह इस कबर ते पंज छित्र मारेगा ता ही उसकी यात्रा सफल होएगी। यह कबर गुरद्वारा साहब के चढ़ते वाले पासे बनी हुई है। कहा जाता है कि जो भी इस कबर ते पंज छित्र मार के सरोवर विच इशनान करता है उसका हर दुख कटिया जाता है ते हर मुराद पूरी होंदी है। यह गुरद्वारा साहब श्री मुक्तसर साहब विखे वे यह गुरद्वारा साहब दर्शन योग है। माघी के इतिहासक मेले दौरान आने वाली संगतां इस गुरद्वारा साहब जरूर आउंदियां ने। यह श्री मुक्तसर साहब तो थोड़ी ही दूरी पर है, इसलिए संगतां नूं बेनती है कि इस स्थान पर जाके अपनी हर मुराद पूरी करो ते दुख दूर करो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।